एक आए किसानों की समस्याओं को लेके। एक तो पिछले साल का गन्ना बकाया अब तक पड़ा है, वो पेमेंट जो हो मैं ब्याज के होना चाहिए जैसा केन शुगर बाईलाज में भी इंगित किया गया। दूसरा जो मिले अब चलनी है उसका पेमेंट 14 दिन हो जाना चाहिए, किसान पिछले साल भी बहुत दुखी रहा है, आगे वो ना हो। दो, तीसरा जो आपके बिजली के बिल हैं वो दे रखे लोगों ने, और उसके बावजूद भी वे डिमांड जो कि तो खड़ी है उस डिमांड को ठीक किया जाए और किसानों को उत्पीड़न बंद हो। चौथा जो मजदूर तेजपाल किसान तेजपाल बिजली का बिल ठीक कराने के लिए यहाँ ऑफिस विद्युत विभाग के ऑफिस में आया था एक्शन के दफ्तर में, वहीं उसका की मौत होगी। मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी भी हुई लेकिन उसमें मजिस्ट्रेट की इंक्वायरी जो हमने पढ़ी है उनमें खानापूर्ति गई, जो सही बात थी उनको नहीं उठाया गया। उनका वर्जन लिख दिया अधिकारियों का कि वो आए और उनका पानी प्यार ये करा ये नहीं बताया, वो यहीं मर गया, जीप लिखड़ी हुई थी वो उन्हीं के कर्मचारी उन्होंने हमें बताया था। क्या मांगे हमारा मांग ये है, तो जो नेगलिजेंस जिन अधिकारियों ने की ये तो आप भी जानते हैं, जो अगर कोई अधिकारी किसी अधिकारी के ऑफिस में मरता है उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट होनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट भी होनी चाहिए, वो भी नहीं की गई। उसका मकसद सिर्फ ये था किसान को मुआवजा ना मिले, हमारी मांग है उसको मुआवजा दिया जाए और किसान के बच्चों का ध्यान रखा जाए। आपकी मांगे पूरी नहीं है तो क्या स्टेप रहेगा? तो हम आके फिर आंदोलन करेंगे। अच्छा, गन्ने का हुआ, बिजली का हुआ, और साथियों जो बंद पड़ी मिल है शुगर मिल बिड़वी और आपका टोटर को उनको अविलंब चला जाए, वरना अगले साल भी किसानों की यही कोई इसी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा।